आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। सोमवार की रात घोरघट गांव में छापेमारी कर मांझी थाना पुलिस ने हरियाणा नंबर के ट्रक से अनलोड हो रही 300 पेटी शराब बरामद की तथा चालक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शराब की बड़ी खेप अनलोड करा रहे घोरघट गांव के शराब कारोबारी अंधेरे का लाभ उठाकर गोदाम के गुप्त दरवाजे से निकलकर भागने में सफल रहे। मांझी पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से मांझी के शराब कारोबारियों में दहशत व्याप्त है। मांझी के थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि सूचना मिली थी कि शराब कारोबारी होली पर ज्यादा कमाई के उद्देश्य से शराब की बड़ी खेप घोरघट के एक गोदाम में अनलोड करा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा नंबर के एक 12 चक्का ट्रक में प्लास्टिक की बोरी में भरे प्लास्टिक के दाने के नीचे 300 पेटी शराब छुपाकर लाई गई थी। मिली सूचना के मुताबिक घोरघट गांव निवासी व शराब कारोबारी बिट्टू चौधरी उर्फ ढेला चौधरी द्वारा शराब अनलोड कराई जा रही थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान जिन तीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें ट्रक चालक व हरियाणा निवासी राम कुमार का पुत्र विष्णु कुमार भी शामिल है। पुलिस ने गोदाम के अंदर से ट्रक चालक सहित तीन लोगों को दबोच लिया। छापेमारी के दौरान फरार कारोबारियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए संबंधित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने कारोबारी के घर की तलाशी के दौरान घर के अंदर धंधे के लिए खास तौर पर बनाई गई सुरंग से 102 लीटर देशी शराब भी बरामद की है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि ढेला चौधरी का घर घोरघट गांव के सामने मांझी ताजपुर मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। थाना अध्यक्ष ने यह भी बताया कि ढेला चौधरी टेंट के व्यवसाय की आड़ में शराब का कारोबार करता रखा है और पुलिस बहुत पहले से ही उसके शराब कारोबार का भंडाफोड़ करने के उद्देश्य से जाल बिछाए हुए थी। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।